सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री कृष्णा, खमा गणी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त अजय देवड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मक्सी। शनिवार का दिन है आज और मक्सी का हाट है, पशु का हाट है। और हमारे घर में पशु जो था उसको हमने बेच दिया था, बीमार हो गया था। तो अभी दूसरा पशु लेने जा रहे हैं, यानी कि भैंस लेने जा रहे हैं। दो गाय है हमारे पास, एक गाय है देसी और एक गिर गाय की केड़ी है। गिर का सीमेंट डलवाया था तो गिर की केड़ी है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भैंस लेने, क्योंकि दूध की कमी है घर पे। और अभी हम मोल दूध लेके आ रहे हैं, दोनों टाइम मोल लेके आते हैं, आधा आधा लीटर। तब जगह की पूर्ति होती है, 8 दिन हो चुके हैं। तो सोचा आज हम पशु लेके आ जाएँ दूध के लिए, ताकि दूध का कमी घर में ना हो। और हफ्ते से जो है दूध अगर जाएगा तो हफ्ता बनेगा, उससे हमारे घर का खर्च निकल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ आप पशु मेले में। और अगर पशु मेला हमारे यहाँ का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं घर से अभी जस्ट कनासिया नाका, और यहाँ से डायरेक्ट मक्सी पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कनासिया नाका में। दोस्तों ये है सीधा मक्सी का रास्ता, और यहाँ पर जो दुकानें आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से इंदौर में 56 दुकान के नाम से दुकानें फेमस हैं, उसी प्रकार से नीचे 28 और ऊपर 28 दुकानें हैं। ये 56 दुकान के नाम से फेमस रहेगी ये दुकानें। देखते हैं ये जो दुकानें हैं इसमें क्या डलता है। एक दुकान मेरा भी अटकाने का विचार बन रहा है, लेकिन अभी पैसे की बड़ी तंगी है, वरना एक दुकान अगर अटक जाए कुछ कम पैसे में। उधर से आते वक्त अगर टाइम मिलेगा तो मैं जानकारी लूँगा, देखूँगा कि अगर सस्ते में अगर दुकान मिल रही है, किराए से भी अगर सस्ते मिल रही है, पगड़ी बगैर पगड़ी की अगर दुकान मिलेगी तो एक दुकान डेफिनेटली मुझे लेना है यहाँ। क्योंकि कनासिया जो एक कस्बा है छोटा सा, इस कनासिया से रोड जाता है सीधा, आप शाहजहाँपुर चले जाओ, मक्सी चले जाओ, इधर तराना चले जाओ, तराना से फिर उज्जैन चले जाओ, और यहाँ पर बसावट भी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, अच्छा लगता है देखने में। तो दुकान मेरे हिसाब से चल जाएगी, लगभग 40 गांव के आस, इस कनासिया के आसपास 40 गांव बसे हुए हैं। मुझे लगता है कोई सा भी धंधा यहाँ पर चल जाएगा, और धंधा वैसे नहीं चलता सिंगल दुकान में, लेकिन 56 दुकान के नाम से धंधा जरूर चलेगा। दोस्तों ये हमारे यहाँ मक्सी का हाट है, पशु का पशु मेला है, जिसको बोलते हैं पशु मेला। और ये जो पशु मेला है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में इस पशु मेले की जान पहचान है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश जो है फेमस मेला है ये पशु मेला। आइए आपको इस मेले से रूबरू करवाते हैं। देखिए वाहन देख लीजिए, वाहन से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि पशु मेला कितना बड़ा मेला होता है। हम पिछले सैटरडे भी आए थे पशु को लेने, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था मेला, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए, आप गाड़ी रोकने के बाद आपको दिखाते हैं मेले को। दोस्तों इस साइड में जो आप देख रहे हैं, ये पूरी जो भैंस होती है जो जन्म जाती है, बच्चे बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जो लवारी भैंस होती है उनका हाट है इस साइड में। भीड़ देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ बनी हुई है हाट में। हमने पशु लिया है अभी, बहुत महंगा पड़ा है, 74,000 रुपये का पशु है, 74,000 रुपीज़ का एक ही पशु है, एक ही भैंस है, और उसका भाड़ा है 500 रुपये घर ले जाने का, 500 रुपये इधर आने का, 2 मोटरसाइकिल आई है, तो खर्च हो गया, यानी कि टोटल मिला के 75,000 रुपये में हमें भैंस पड़ी हुई है। मैं आपको भैंस को दिखाऊँगा अभी यहाँ से निकलते हुए, और फिर घर जाके उस पर वीडियो बनाएंगे भैंस में, उसकी पूजन वगैरह करते वक्त। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बकरी का हाट चालू होता है। इस मक्सी के हाट में सबसे पहले आएंगे तो आपको बकरियों का हाट दिखेगा। आ रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हाट में। उसका मेन कारण है क्योंकि ये जो जगह है ये पूरी उबड़ खाबड़ है, ऊँची नीची है, और मेरे पाँव जो है फिसल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि मैं विकलांग हूँ इसी कारण से। दोस्तों अभी हम मक्सी से रिटर्न घर की तरफ हो लिए हैं, और मक्सी से जस्ट अभी आए हम मक्सी थाना के जस्ट सामने। और ये सामने आप जो टेम्पू देख रहे हैं, इसमें
राइट हैंड साइड की जो है मेरा भैंस है, पशु है, और लेफ्ट हैंड साइड का एक हमारे यहाँ के मेरे परिवार के ही है, वीरेंद्र बना उनका है। तो दोनों ने हमने पशु लिए हैं। उनका जो पशु वो 66,000 का है, 66,000 रुपीस, और ये मेरा जो पशु है ये 74,000 रुपीस। बने रहिएगा दोस्तों घर पे, आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, खमा गणी, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त आज का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम गए थे शनिवार के दिन, यानी कि सैटरडे के दिन, पशु लेने, भैंस लेने, और हम भैंस लेकर घर पे आ भी गए, लेकिन आने के बाद जो है हमने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो का जो है एंडिंग हमने नहीं किया था उस दिन। तो हम आपको दिखाते हैं हमारा जो पशु है, भैंस है, वो किस प्रकार का है, कैसा लेके आए हम। देखिए दोस्तों, हम जस्ट रूम से बाहर जा रहे हैं और ये लेके आए हम पशु। ये भैंस लेके आए हम, इसको जो गांव की भाषा होती है उसमें भैंसी बोला जाता है, लेकिन मैं पशु कहता हूँ, पशु वगैरह के नाम से ही ज़्यादातर बोलता हूँ। तो ये लेके आए हम भैंस, कैसी है आप देख के बताइएगा, अच्छी है या फिर खराब है। और ये इसका जो है बछड़ा मुर्रा पड़ा, और ये हमारी गिर काऊ है, और वो देसी गाय है। गाय भी चाहिए घर में, गौ माता होनी चाहिए। हम सके आठ भाई हैं, और आठों भाई के बीच में मिला के दो गाय मेरे पास है, और दो गाय दो भाई और उनके पास है। बाकी बड़ी बड़ी भैंसें भी हैं, एक एक लाख, ये एक 98,000 रुपये की भैंस है, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं वो वाली 76,000 रुपये की, इसके उधर वाली वो 60,000 की है। तो ये जितनी भी भैंसें बंदी है 60,000 से सब ऊपर की है। अब यहाँ से सामने जस्ट देखेंगे तो जो बाड़ा दिख रहा होगा आपको, वो भी हमारा ही है, क्योंकि पूरा परिवार मेरा ही है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।